हाय, दिस इज शुभमन गिल एंड टुडे आई हैव ईशान विद मी। तो ईशान, आपने वाइट बॉल में इतना अच्छा किया है इंडियन टीम के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है आपका फर्स्ट रेड बॉल कॉल अप एंड टेस्ट टीम के लिए, इंडियन टेस्ट टीम के लिए, तो कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा सब मेरे को लगता है। जब मैं वाइट बॉल भी खेल रहा था, डैड भी हमेशा बोलते थे कि टेस्ट असली क्रिकेट होता है जहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, बैट्समैन का भी स्किल टेस्ट होता है, तो वो लेवल पे खेलना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जब टेस्ट का मेरे को पता चला कि मैं टेस्ट टीम में आया हूँ, तो बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स वहाँ पे, जो रियल स्किल होता है, जो रियल गेम मुझे लगता है टेस्ट को ही माना जाता है, तो वहाँ पे जाके अगर मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा टीम को जिताने का। तो जब कॉल अप हुआ तो सबसे पहले घर से किसका फ़ोन आया, सबसे पहले क्या बात हुई घर वालों से? नहीं, घर से नहीं, मैंने घर वालों को कॉल करके बताया कि मेरा हुआ है टेस्ट में। तो डैड वाज लाइक, बस ऐसे ही मेहनत करना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। हम कमरे में भी बात कर रहे थे कि अगर रेड बॉल में आपका नाम आता है तो फिर अच्छा रहेगा। आप बोल रहे थे कि यहाँ की टेस्ट क्रिकेट काफ़ी लंबी होती है, बट मज़ा आता है खेलने। तो आपका रणजी ट्रॉफी भी आप जाके खेले, तो कैसा था एक्सपीरियंस? मुझे बहुत मज़ा आता है रेड विकेट, रेड बॉल से खेलने का, क्योंकि वहाँ पे बॉल स्विंग हो रही होती है, थोड़े स्लेजिंग हो रहे होते हैं, टाइम होता है अपने पास, कोई प्रेशर नहीं होता है रन बनाने का, सिचुएशन कभी आसान होती है कभी डिफिकल्ट होती है, तो वो सिचुएशन भी खेलना मुझे काफ़ी मज़ा आता है रणजी ट्रॉफी में भी जब मैं जाता हूँ। आपने ODI और T20 के दोनों डेब्यू में आपके फर्स्ट रन हमेशा बाउंड्री के साथ, या चौका था या छक्का था, तो क्या टेस्ट में भी ऐसा ही करने की आप ट्राई करेंगे या फिर क्या माइंडसेट रहेगा आपका? नहीं, टेस्ट में मुझे लगता है कि जहाँ पे मैं बैटिंग करता हूँ 6 नंबर पे, वहाँ पे सिचुएशन रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग अच्छे सिचुएशन में नहीं हो और अगर मैं अपने टशन में जाके कोई गलत शॉट खेल लूँ तो वो टीम को बहुत लेट डाउन करेगा। और अभी खेल के इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि वहाँ पे छक्के चौके से ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे वहाँ पे टीम को अच्छे सिचुएशन में लाते हो, तो मैं उस हिसाब से देखूंगा। अगर बॉल होगी जगह पे और फील्डर्स ऊपर होंगे तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा, बट अगर अच्छी बॉलिंग होगी, अच्छा बॉल चल रहा होगा, तो एट द सेम टाइम मैं रिस्पेक्ट भी करने को देखूंगा बॉल। तो आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, चौके छक्के का बिल्कुल नहीं सोचते? नहीं, ज़रूर सोचता हूँ, बट वाइट बॉल और रेड बॉल में बहुत डिफरेंस होता है। वाइट बॉल ऐसे 6 नंबर पे भी आप जाते हो तो इतनी स्विंग नहीं हो रही होती है, बट रेड बॉल पे बॉलर्स यूज़ करते हैं कुछ कुछ बॉल पे, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाना भी ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ अपना वो यंगस्टर वाला हरकत दिखाने में। थैंक यू थैंक यू।